देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलवाने वाले नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न जारी। नीरज का कल होगा भव्य स्वागत। कोच ने कहा, लक्ष्य के प्रति जुनून से ही मिली नीरज को सफलता। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी और रात का कर्फ्यू भी हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वित्तीय लाभ की अगली किश्त करेंगे जारी। महेंद्रगढ़ जिले के किसानों ने जताया आभार। और हिसार दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। दैनिक यात्रियों ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है। पानीपत में उनके गांव खंडरा में भी कल से ही जश्न जारी है। उनके घर अब तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नीरज चोपड़ा कल शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से वे दिल्ली कैंट जाएंगे, उसके बाद वे अपने गांव आएंगे। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज व ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीरज का यहाँ पहुँचने पर धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। पहली बार एथलेटिक के अंदर हमारे पानीपत जिले से नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। ये पहली बार हुआ है और मैं इसके लिए बहुत बहुत नीरज को तो बधाईवाद देता हूँ, क्योंकि ये उनकी तपस्या थी, उनका पैशन था, उनकी मेहनत थी दिन रात। नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो में जो विश्व में रिकॉर्ड तोड़ा है, जो गोल्ड भारत के लिए जीता है, उसके लिए हम सब लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि हमारे बच्चे ने, हमारे पानीपत के नौजवान ने पानीपत की ही शान नहीं बढ़ाई बल्कि दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। उपायुक्त सुशील सारवार ने कहा कि सारे देश को नीरज पर गर्व है। परिजनों ने कहा कि इस लक्ष्य के लिए नीरज ने दिन रात काफी मेहनत की है, हमें उसकी उपलब्धि पर गर्व है, उसने देश का नाम रोशन किया है। एथलेटिक्स में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलवाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद ने कहा है कि नीरज मानसिक तौर पर बहुत मजबूत खिलाड़ी है, उसने हमेशा अपने खेल पर ही ध्यान दिया है। नीरज स्वभाव से बहुत शर्मीला है पर अपने काम के लिए जुनूनी है। वो त्योहार पर भी अपने घर ना जाकर ट्रैक पर मेहनत करता था। इतना बड़ा मैंने भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक तक मैं जेवलिन थ्रो में हमें देश को मेडल दिलाएगा, मतलब ये एक मेरे लिए भी सपना था, पर नीरज ने अपनी मेहनत से, और मतलब उसका मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग लड़का है, खेलों के लिए उसने हमेशा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। बाई नेचर इतना शर्मिला खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए जितना नीरज है, पर अपने काम के लिए उसके अंदर एक पावर है दिमाग के कि मुझे जीतना है, इसलिए वो हमेशा हमेशा जब भी कहीं जाता है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। मुझे ये लगता है कि जब उसने अपना घर छोड़ा 10-11 साल पहले, ये सोच के छोड़ा कि मुझे खिलाड़ी चैंपियन बनना है, और यहाँ आने के बाद चैंपियन के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। मैंने उसको कभी बाजार में जाते नहीं देखा, कोई गलत चीज़ खाते नहीं देखा, ग्राउंड और रेस्ट। नसीम अहमद ने बताया कि नीरज 2011 में उनके पास प्रशिक्षण लेने पंचकुला आया था, उसने अपनी मेहनत के बल पर यह लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नीरज का लक्ष्य 90 मीटर से अधिक तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाना है। नीरज मेरे पास 2011 में पंचकुला ट्रेनिंग करने आया था। एक कारण था, मेरे पास हरियाणा सरकार के एक स्पोर्ट्स हॉस्टल था मेरे पास, और सिंथेटिक ट्रैक
बहुत कम जगह था, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम पंचकुला आना चाहते हैं। तो मैंने भी एक जर्नली मैं कहा आ जाओ। मैंने जब देखा ये 5-6 बच्चे पानीपत के मेरे पास आए और सभी जेवलिन थ्रोवर थे। ये पहले से ही जेवलिन करता था 2011 से, परफॉर्मेंस के साथ पता चल रहा था। सपोज 60 मीटर मारी, फिर 64, 68, 72, 75, 82, 84, 86, 88, 0.7 उनका बेस्ट उन्होंने थ्रो मारी है। तो अभी भी है, अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा सफ़र वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफ़र है। तो मैं आज भी नहीं कहूँगा कि तूने बहुत अच्छा किया। प्रदेश में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक के लिए कर दी गई है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है, इसके साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी हटाया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने पर महेंद्रगढ़ जिले के किसानों ने खुशी जताई है। इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले के 1 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 9वीं किश्त के रूप में 20,70,00,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। किसानों ने बताया कि योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस धनराशि से उनके खाद और बीज के खर्चे सहित अन्य जरूरतें पूरी होती हैं। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो जो किसान सम्मान निधि की जो 2,000 रुपए जो डालते हैं, उनसे हम हमारे खाद बीज का और हमारे जो कृषि से क्षेत्र में जो भी कोई काम आता है उससे हम उसको यूज में ले लेते हैं पैसों को, और इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। किसान प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2,000 रुपए दिए हैं किसानों के, बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। किसान, गरीब किसान का काम कुछ थोड़ा फायदा मिल जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा किसानों के सीधे खाते में आता है, उसका किसानों को बहुत ही लाभ मिलता है। उससे वो खाद बीज समय पे खरीद सकते हैं, ताकि उन्हें दूसरों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो किसान निधि में 2,000 रुपए देने की हमें घोषणा की, और जो हमारे सीधे खाते में पैसे आ रहे हैं उनसे हम समय पर खाद बीज खरीद सकते हैं। इससे हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें काफी सुधार हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रोहतक रेलवे स्टेशन से हिसार दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो गई। सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने पर दैनिक रेल यात्रियों ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि रेलवे विभाग ने सिरसा एक्सप्रेस का रूट बदलकर सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक कर दिया है। दैनिक रेल यात्रियों के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर अब हिसार दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई गई है। इंटरसिटी एक्सप्रेस हिसार, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, पूरी बात को समझा कि हमारा रोहतक का जो डेली पैसेंजर है, व्यापारी है, साथी है, सबको इसकी परेशानी होगी, और इसको बदलाव करके उन्होंने एक्सप्रेस के इसके रूप में हमारे को आज दे दिया है। और मैं माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनकी मदद से सारे का सारा ये काम हुआ। आज हमारे को ट्रेन मिली है, बहुत बढ़िया ट्रेन मिली है। सिरसा एक्सप्रेस वाला रूट जो था उसको हमने बदलाव करा करके, उस रूट को बदलाव करा करके उसमें हमने कोसली जुड़वाया है। तो कल कोसली भी मैं झंडी दिखाऊंगा, कल सुबह 6:15 बजे के करीब कोसली से वो ट्रेन गुजरेगी। भिवानी वाली जो ट्रेन है, जो अब भिवानी है, भिवानी रोहतक दिल्ली, वो ट्रेन भी जो आपको पता होगा रोहतक से, रोहतक आकर के रुक जाती थी, रोहतक दिल्ली थी वो ट्रेन। लेकिन हमारे कलानौर वालों की ये मांग थी कि भाई हमारे को एक ट्रेन और दी जाए, तो उसका भी रूट बढ़वाया गया है। इस ट्रेन से हम लोगों को बहुत राहत मिली है, काफ़ी दिन से परेशान थे, और हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं रेलवे उसका, कि बहुत अच्छा काम किया है जिससे हमें अब बहुत सहूलियत मिली। हाँ, डेली पैसेंजर हैं लेकिन हम बहुत तंग थे, अब हमें बहुत रिलीफ हो गया। अरविंद शर्मा के प्रयासों से, उन्होंने प्रयास किया, रेलवे मंत्री से मिले,
तब एक एक्सप्रेस गाड़ी थी, पैसेंजर को एक्सप्रेस कराया गया और उसको उसी रूट पे चलवाया गया। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली यात्रियों। पहले दिक्कत ये आ गई थी, रूट चेंज कर दिया था सिरसा एक्सप्रेस का और हिसार दिल्ली सिरसा जाने वाले यात्री काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। बसंत जैन जी के नेतृत्व में मिले थे, मुलाकात की थी दैनिक यात्री संघ ने, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा और बहुत राहत मिली। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाखिले के लिए अंतिम तिथि 9 अगस्त 2021 है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.iimc.gov.in। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार भी कोविड महामारी संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार ही विधानसभा की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर में प्रवेश से पहले सभी विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इस बार भी दर्शकों का विधानसभा में कार्यवाही देखने पर प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा में चर्चा के लिए अभी तक 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं और उनके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के विषय पर आला पुलिस अधिकारियों की कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया गया है। 20 अगस्त से संभावित है और उसके लिए हमने सभी तैयारियां जो कोविड के प्रोटोकॉल की दृष्टि से कोविड को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकता है वो सभी तैयारियां हमने पूर्ण की। विधानसभा परिसर के अंदर ऐसे ही लोगों की एंट्री हो पाएगी जो थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा चेक करके ठीक पाए जाएंगे और इसकी दृष्टि से हमने पूरे हरियाणा भवन को जो सैनिटाइज की करवाया जाने की व्यवस्था की है। प्राइवेट मेंबर्स 2 हमारे पास अभी तक आए हैं, उनके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेकर के उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या वो विधानसभा के अंदर डिस्कस हो सकते हैं क्या। उन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डिफेंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में युवाओं को मास्टर डिग्री करवाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र संस्थान होगा जो DRDO के साथ मिलकर ये डिग्री करवाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि ये डिग्री रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIET निदेशक ने बताया कि इस डिग्री के पाठ्यक्रम में 24 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे और विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी ही प्रवेश के लिए मान्य होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रयास हम लोग DRDO के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए हमारे को AICT का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें हम 24 विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन देंगे और लगभग 42 स्पेशलाइजेशन हमारी जो इंजीनियरिंग के हैं वहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आएंगे वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके जो 6 स्पेशलाइजेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी में MTech डिग्री शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 24 स्टूडेंट्स को एक बैच में एडमिशन दिया जाएगा और AICT से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने मान्यता प्राप्त कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर कुल इंजीनियरिंग के 48 डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स जो BTech कर चुके हैं वो एलिजिबल होंगे। विद्यार्थियों ने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये डिग्री शुरू होने से युवाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। सपना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और जितने भी डिफेंस के डिवाइसेस हैं वो सब हमारा देश खुद के बना पाए। ये हमारी जो MTech में नया कोर्स शुरू हो रहा है यह एक छोटी सी पहल है जो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि हम डिफेंस के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारा देश खुद में ही इतना संपूर्ण होगा कि वह इसमें खुद ही कार्य अच्छे से कर सके। डिफेंस टेक्नोलॉजी देखिए अपने आप में एक अचीवमेंट है क्योंकि डिफेंस से जुड़ना हर किसी के लिए प्राउड फील वाली चीज़ है। बट हम डिफेंस को क्या दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास लैब फैसिलिटीज है तो हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज बना सकते हैं जो डिफेंस। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ है।
1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। यह आंदोलन मुंबई में गोवलिया टैंक से शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष ये दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज इस अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रदर्शन का उद्घाटन किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलवाने वाले नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न जारी। नीरज का कल होगा भव्य स्वागत। कोच ने कहा, लक्ष्य के प्रति जुनून से ही मिली नीरज को सफलता। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी और रात का कर्फ्यू भी हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वित्तीय लाभ की अगली किश्त करेंगे जारी। महेंद्रगढ़ जिले के किसानों ने जताया आभार। और हिसार दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। दैनिक यात्रियों ने जताई खुशी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और 1 नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।